बच्चे तुम समझने की कोशिश करना यहाँ से, ठीक है? क्रिटिकल एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होगा ना, आपका दिमाग ऐसा तो लिख के नहीं आएगा ना एग्जाम में, द क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन, ऐसा तो लिखा के नहीं आएगा। तो माइंड क्लिक कैसे करे कि क्रिटिकल एंगल वाला, कभी भी याद रखना क्रिटिकल एंगल बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको ये बोलता है कि एक रे जा रहा है किसी वॉल से या किसी सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है, मतलब टकरा रहा है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो उसी मीडियम में क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज करे कहीं और चला जा रहा, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट हो रहा। तो वहाँ पर आपको माइंड क्लिक करेगा, क्लिक ये करेगा कि भैया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल से क्या ज़्यादा है, तब वहाँ से आप दिमाग लगाएंगे, ठीक? नहीं समझ में? जस्ट लाइक वन टाइप ऑफ बेस्ट और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इतना फेमस है ना कि जब आप घर से निकलोगे दो तीन जगह टकरा ही जाएगा, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्या प्रिज्म, प्रिज्म है ये, प्रिज्म है मतलब हम प्रिज्म की डेफिनेशन नहीं जानते। टू नॉन पैरेलल सरफेस, टू नॉन पैरेलल ट्रांसपेरेंट सरफेस इज कॉल्ड प्रिज्म। मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चा ये प्रिज्म है, तो आप बोलोगे प्रिज्म है क्या? नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये क्या ये प्रिज्म है? है प्रिज्म, बस ये पैरेलल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना, दो ही बाउंडिंग है यार, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे लाइट आर पार हो सके, और उसका पैरेलल नहीं होना चाहिए, नॉन पैरेलल, वो कैसे भी रहे वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। अपन तो पढ़ के हैं ना, रट्टा रुटाया चीज, प्रिज्म ऐसा ही होता है, गलत तरीका है, याद रखना प्रिज्म कैसा होता है, पैरेलल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चाहे एक भी इंक्लाइंड हो कैसे भी हो, थोड़ा सा भी अगर पैरेलल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉन पैरेलल सरफेस होगा, तो उस हर चीज को अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्म, ध्यान रखना। एक प्रिज्म है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, तो ऑब्वियसली 1.5 होगा, और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेरी बात समझ में आ रहा है? एक लाइट ने स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, लाइट क्या कर रहा है, स्ट्राइक, और कितने डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन तो होगा उसका, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलता है, ये होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री पर तो जैसे का वैसे जाएगा, ठीक नहीं है? कहानी में ट्विस्ट है, क्या बोल रहा पता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ जाने के बाद ना ये क्या नहीं हो रहा, सरफेस को पार नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पार नहीं कर रहा, और कहीं और आ रहा, ठीक? तो यहाँ टकराएगा ऐसे करके, टकराएगा ना, टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो टकराएगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, क्लियर? तो अपने को थीटा का वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, समझ लें आप कॉन्सेप्ट को, समझ लें उसके बाद आप बनाएं, ठीक? क्वेश्चन क्या था कि एक प्रिज्म है, तब आप उस समय एग्जाम हॉल में लड़ने मत बढ़ जाना कि प्रिज्म ऐसा नहीं होता है, सर बोले तो प्रिज्म ऐसा होता है, ठीक है? कई लोग होते हैं ऐसे लड़ने बैठ जाना, बच्चे तुम समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है कि रे आ रहा और इसके बाद वो पार नहीं कर रहा, तो थीटा का वैल्यू निकालो, तो उस केस में ना मैं दिमाग लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, हाँ नहीं, और ये पार नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं से निकल रहा होगा, नहीं समझ में, पार नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं से निकल रहा होगा, तो इस केस में जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ये कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, नहीं है? अरे यार इसका टी आई आर का वो क्या था, बॉन्डिंग क्या था, दो बॉन्डिंग है, ध्यान रखेंगे, रे हमेशा डेंसर टू रेयर में मूव करना चाहिए पहला, और दूसरा क्या होना चाहिए, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना, ये नीचे आ गया तो मैं आंख बंद करके इसको लिखूंगा, ये आप अपने से क्रिएट करेंगे खुद से, समझ में आ गया? आई हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, और कई केसेस में क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू भी हो जाता है, इक्वल और ग्रेटर देन रहता है, यहाँ तक की बात क्लियर है, डाउट है यहाँ तक, नो डाउट। अब इसके बाद अच्छा यहाँ तक आ जाने के बाद मुझे आई चाहिए था, क्या चाहिए था, तो मुझे दिखा कि ये आई है ये थीटा, तो मुझे पता है नॉर्मल है, तो नॉर्मल हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90, मतलब आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, नहीं समझ में, मुझे किसका वैल्यू निकालना था, थीटा का वैल्यू निकालना था, तो 90 माइनस का यहाँ तक आया। कभी भी याद रखना आईसी को डिफाइन नहीं करते हैं, क्रिटिकल एंगल अधूरा है जब तक उसका साइन नहीं है, क्रिटिकल एंगल कब तक, साइन नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा, साइन, तो मैं बहुत सारा का साइन आई ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, साइन आईसी, ठीक। और मैं एक चीज और जानता हूँ यार, साइन जो आईसी होता है ना वो 1/μ होता है, क्या इसको प्रूव किया था मैं,
यार जो 1 अपॉन म्यू होता है ना उसका वैल्यू 1.5 है, इस 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, इट बिकम्स 2/3। नहीं समझ में? तो इस पूरे को हटाऊंगा, क्या लिखूंगा? नहीं आया यार, इसका वैल्यू पता है क्या? इसका वैल्यू पता है क्या? साइन 90 माइनस थीटा, नहीं आया। थीटा इजी, नहीं आया समझ में? पक्का? क्या सीखा, क्या सीखा? पहला चम क्लिक कब करेगा? जब लाइट अनदर मीडियम में नहीं जा रहा तो तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल से क्या होगा, ये बनाऊंगा। उसके बाद इसी में मैं साइन यूज करूंगा। क्यों साइन यूज करूंगा? क्योंकि क्रिटिकल एंगल विदाउट डिफाइंडिंग साइन के नहीं हो सकता। साइन ले लिया, साइन लेने के बाद बाकी चीज ऑटोमेटिक बनेगा। समझ में मेरी बात? TIR में क्या चीज को ध्यान रखूंगा मैं, तो कि हमेशा अगर दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा है तो तुरंत माइंड को क्लिक करना कि TIR से ही बनेगा क्वेश्चन। क्लियर मेरी बात? बन जाएगा, नोट कर लो। अब एक आध क्वेश्चन देता हूँ, बनाए एक आध जे बताऊ। देखो एक ना ऐसा YouTube है, क्या YouTube समझ गई ना? एक YouTube है जिसमें एक चैनल है, जिसमें क्या है जो किस नाम से है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। एक ट्यूब है ऐसे करके, ग्लास का है, और इसका जो सर्कुलर नहीं है ये, अगर इसको मैं ऐसा करके दिखाऊंगा ना ऐसे करके, तो इसका जो टॉप साइड व्यू होगा ना वो ऐसा है, स्क्वायर फॉर्म में। कैसा है ये? स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। कैसा है ये? स्क्वायर। यहाँ से लाइट क्या हो रहा है? इन कर रहा है। लाइट क्या कर रहा है? इन कर रहा है। ये इसका सेमी सर्कल है, मतलब आर आर, समझ में आ रहा है ना? ये सेमी सर्कल है, लाइट ऐसे ट्रेवल करके ऐसे आ रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। भारी तो नहीं हो रहा? बहुत आसान है यार। और इसका जो थिकनेस है ना वो डी है, स्मॉल डी, और यूनिफॉर्म थिकनेस है। कैसा है? हर जगह पे इसकी थिकनेस कितनी होगी? स्मॉल डी। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? नो डाउट। तो आप अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना म्यू इज इक्वल टू 1.5, तो ग्लास होगा नॉर्मल, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पता है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, इसका क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू निकालना है डी बाई आर। नहीं बनेगा? बना, चलो देखो, बंद कर भाई, सॉरी लिखना बंद करो और देखे हम पे। क्या सोच रहे हो आप, कैसे बनाओगे इसे? ये लाइट जा रहा, चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, बोलो यस। देखो जूम करके दिखाओ, ये यही वाला पार्ट है, मैं आधे पार्ट को लेके चला, चलो मैं पूरे पार्ट को ले लिया, ठीक है ना। ये ऐसे जब भी ऐसा केस आएगा, जब भी क्या होगा ऐसा केस आएगा, ठीक, ये सेमी सर्कल है, ठीक, यहां से लाइट जा रहा है कहीं से भी, एक लाइट, बहुत सारे लाइट्स, तो कोई भी एक रे को ट्रेस करना, कोई भी एक रे को ट्रेस करना, तो मान लो यहां से एक लाइट जा रहा है, टकराएगा, टकराया, टकरा के क्या होगा? मुड़ा। टकरा क्या होगा? मुड़ा होगा, मुड़ा होगा ना, मुड़ के किधर गया होगा? बाहर आया। नहीं आया समझ? जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता तो एक चीज इंड्यूस्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। रेयर लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा ना, जा कैसा रहा था? सीधे। टकराया, मुड़ गया। कैसे पता चला कि मुड़ गया? मुड़ा होगा तभी तो बाहर निकला होगा, बिना मुड़े अगर निकल गया होता तो यहां से आता है क्या? नहीं है, मेरी बात समझ? तो यहां से टकराया, ऐसे मुड़ा और ऐसे बाहर आया। कितने लोगों को यहां तक डाइजेस्ट हो गया? नहीं आया समझ में? तेरे को तो ज्यादा आना चाहिए भाई, आ गया यहां तक। यहां तक आने के बाद जब भी लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता तो वहां पे एक इंड्यूस्ड होता है लाइट, क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। और नॉर्मल सर्कल में हमेशा क्या बोला, सर्कल हो चाहे स्पेयर हो, हमेशा कहां से ड्रॉ करते हैं? सेंटर से। तो यहां से एक नॉर्मल दे दिया। कितने लोगों को क्लियर हो गया? नहीं आया? नहीं आया? तो इसका एंगल यहाँ पे क्या ले लिया? थीटा, ठीक है। इस थीटा को कौन सा एंगल बोलते हैं यार?
तुम बताओ। हाँ जो लेना ले लो, आई भी ले सकती हूँ। इस आई को क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोलो, इंसिडेंस है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? नहीं समझ में? तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ क्या हो गया? नहीं आया समझ में? और यहाँ से निकल के ये इधर जा रहा, मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों, कैसे पता चला? डायरेक्शन चेंज किया, टी आई आर हो रहा है ना यहाँ पे। टी आई आर के केस में आई किससे बड़ा होता? आई सी से बड़ा होता। ये अकेला कभी अच्छा लगता है क्या? तो क्या ले लूंगा? साइन आई सी, साइन आई, इसका वैल्यू 1.5 नहीं आया, 1.5 ले, 1/u। कैसे? साइन आई सी इज इक्वल टू 1/u। ठीक, तो साइन आई कुछ नया चीज लगाया हो क्या अभी तक? 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2/3, 3/2 पलट के जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/, यहाँ तक कितने लोगों को आ गए? मुझे कि निकालना किसका वैल्यू है? नहीं निकालना, डी अपॉन आर। अभी तक तो डी बाई आर नहीं आया, तो आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो गया? डी प्लस आर ना, ठीक। लेकिन ये वाला मेजर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेजर करने में क्या हो रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। तो रेज तो बहुत सारे निकल रहे थे, तो एक रे मैं ऐसा लेके चलता हूँ जो इसके कॉर्नर से निकल रहा है, सेंटर से पास, मतलब यहाँ से लगते हुए जा रहा है। इस रे को ना लेके कौन सा रे ट्रेस करूँगा मैं? इस रे को। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता है। नहीं पता चला क्या? तब भी ये जाएगा ना, तब भी ये कितना डिग्री बनाएगा? तब भी वो थीटा डिग्री बनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो मेरे को इसको ना लेके किसको लेना चाहिए था? इसको। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से कहीं से भी ले सकता हूँ। कहने का मतलब ऐसा करके बहुत सारे रेज जा रहे हैं ना। अब मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, तो आप सरफेस से ले लो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोलूँगा तो ये पता है आपको, तो लेने में प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहाँ से ले रहा हूँ? इस कॉर्नर से ले रहा हूँ। जब कॉर्नर से लेके जाऊँगा तो ऐसा करके एक ट्रायंगल दिखाऊंगा। दिखा, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? नहीं दिखा? ये आर और ये आर प्लस डी। किसका वैल्यू चाहिए था? किसका चाहिए था? साइन आई। साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है? लंब कितना है? आर प्लस डी चाहिए था ना, ला के रख दिया, ला के रखा यहाँ पे। तो आर आर प्लस डी 2/3, ये पार्शियल वैल्यू है। इसको सॉल्व कर रहा है तो पलट देता हूँ, पलटूंगा तो याद रखना फंडा गया, ये अब ऐसा हो जाएगा। पता कि नहीं जानते, जानते कि नहीं जानते, जो ग्रेटर था वो लेसर बन जाएगा। सेपरेट कर दो, दिखा डी बाई आर 1.5 हुआ, 1.5 ये कट गया। तो डी बाई आर प्लस क्या चल रहा है? 1, और ये क्या चल रहा है? 1.5, ये चल जाएगा। तो डी बाई आर 1.5 माइनस 1 डी बाई आर कितना होगा? 0.5। कैसे पता चला ये मिनिमम है? क्योंकि लेस देन के इधर है, तो ये इसका क्या हो गया? नहीं समझ में पक्का आ गया? डाउट है कहीं पे? चलो नोट कर लो, बैठ जाओ। देखो एक ग्लास लैब, अच्छे समझ लो, एक ग्लास लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? एक लाइट ना इंसिडेंट हो रहा है, एक लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट। कितने डिग्री पे? थीटा नॉट, ठीक। वो आके स्ट्राइक करेगा अंदर, और अंदर क्या हो रहा है? टी आई आर हो रहा है, मतलब वो रे बाहर नहीं आ रहा। क्लिक किया, क्या क्लिक किया? आई जो होगा सी से बड़ा होगा, उस केस में आपको म्यू का वैल्यू निकालना है इन द फॉर्म ऑफ थीटा नॉट, ठीक। चलो चलो जा यार। हाँ देखो देखो, बंद करें कॉपी, ध्यान लगाए। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं हो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये आ रहा है, क्या ये सीधे आएगा? आना कैसा चाहिए इसको? तो ये नॉर्मल है, तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। आया, टकरा के क्या होगा? निकलेगा ऐसे, निकलेगा ना,
क्यों ऐसे निकल गया? क्योंकि वो बोला टी आई आर होगा, बोला तो फिर मैं यहाँ पे जब जब मुड़ेगा तब तक क्या बनाऊंगा नॉर्मल, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये आ रहा है ना, मैं ये वाला लूंगा कि ये वाला लूंगा? जहाँ पे टी आई आर हो रहा वहीं का लूंगा ना भाई। तो यहाँ का एंगल कितना ले लिया? आई ले लूँ, आई ले लिया। इसका ये जो आई होगा ना वो आई सी से क्या होगा जानता हूँ। जब भी ये आता हो तो मैं एक काम आंख बंद करके कर दूंगा, बोलो यस। साइन क्या होगा? आई सी। कहीं से अगर साइन आई का वैल्यू निकल जाए तो मैं म्यू निकाल सकता हूँ। नहीं समझ में? कहाँ का किसका वैल्यू चाहिए? आई का वैल्यू। आई कहाँ बन रहा है यहाँ? क्या क्वेश्चन में आई की गिवन था? नहीं गिवन था। तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया तो ये बना ना, तो ये बना 90 माइनस आई। नहीं आया समझ? नहीं आया? यहाँ तक कोई पहुँचा था? नहीं पहुँचा था, आसपास पहुँचा था? जो लेना ले लो, आपका तो आंसर वैसे भी आना। आगे यार मुझे आंसर किसके फॉर्म में निकालना है? लेकिन मेरा तो क्या हो रहा, आई आई बैठता हुआ तो मुझे यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे रिफ्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? और कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। नहीं सोच पाए तो जो दिमाग में आता लगा दिया करो। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या होता है? म्यू वन साइन क्या होगा इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस। याद रखना कनेक्टेड एंगल होना चाहिए। नहीं यार समझ में? तो इसमें क्या होगा? साइन थीटा जीरो म्यू कॉस आई। यार साइन चाहिए तो कॉस आ गया, फिर दिक्कत है। लेकिन मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको भी। म्यू आए बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, नर्सरी वगैरह में पढ़े होंगे आप, पढ़े थे। कॉस का वैल्यू निकालता था तो ये क्या होता, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना, तो देखो अब बचपन का बुढ़ापे में काम आएगा। वन माइनस क्या? सेवन्थ क्लास में पढ़ ली थी, सेवन्थ में पढ़ी थी इसको। ये टेंथ में पढ़ते हैं, ठीक है? हमारे गांव में टेंथ में था भाई, हम टेंथ में पढ़े थे बस। तो दोनों साइड क्या करूँगा? स्क्वायर करूँगा क्योंकि हटाना है। इतना नहीं सोच पाते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा म्यू, थीटा जीरो, और ये क्या होगा? म्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? वन माइनस, इसको इधर ला दूंगा, उसको इधर जाऊँगा। कहने का मतलब साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जीरो बट्टे म्यू स्क्वायर। नहीं आया क्या? भारी तो नहीं पड़ रहा? मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन तो कर रहा हूँ यार। तो मुझे क्या चाहिए? एलसीएम ले लूँगा। साइन आई का वैल्यू आ गया देखो लास्ट, तो साइन आई का वैल्यू कितना आ रहा है? ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, एलसीएम लूँगा तो म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो, नीचे क्या बचा? अगर ला के रख देता हूँ उसका वैल्यू तो कितना होगा? रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा जीरो, नीचे बचा म्यू, क्यों म्यू? स्क्वायर से बाहर आ जाएगा म्यू, म्यू हो गया। बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो रूट हट जाएगा, पता है ना? तो म्यू स्क्वायर साथ में क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा, नहीं आई? म्यू स्क्वायर ये इधर जाएगा तो वन प्लस क्या होगा? मुझे तो खाली म्यू का वैल्यू चाहिए, यही इसका आंसर। नहीं समझ में? क्या क्या सीखे इससे? अपने चीज वही यूज कर रहा हूँ फिर से। इतना कैलकुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि साइन आई को यहाँ से हटाना था। क्यों हटाना था? क्योंकि जो आई है वो हम लोग अज्यूम किए, और अज्यूमिंग वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। नहीं आया समझ? बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको बना नोट कर लो। जाना कैसा चाहिए था? ऐसे थोड़ा सा बेंड होगा, आ गया यहाँ तक ही कहानी क्लियर। यहाँ के बाद मैं क्या करूँगा यार? इसको तो पहले ऐसे मिला दिया, ठीक। इसका एंगल क्या ले लिया? आई। यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? टी आई आर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इन द केस ऑफ टी आई आर आई किससे बड़ा होता है? आई सी से। यार साइन ले लिया, साइन क्या होगा? आई सी। द वैल्यू ऑफ साइन आई सी वन अपॉन, यहाँ तक किस समझ में?
ये किसका था? ग्लास का था. किसका था? ग्लास. क्लियर है आंसर? अब मेन कहानी कहाँ पे अटक रहा है? साइन आई का वैल्यू निकालना, यही था ना? किसका वैल्यू निकालने में? साइन आई का वैल्यू निकालने के लिए अगर ये आई है और ये 90 है तो यहाँ पे क्या होगा? 90 माइनस है, नहीं आया, आया ना? सर 90 माइनस है. यार यार किसमें आ रहा है? एयर टू ग्लास आ रहा है ना. तो अगर यहाँ पे स्नेल सेल लगाऊंगा तो स्नेल में क्या होगा? एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन साइन 45 जो एंगल बन रहा है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना चल रहा है? म्यू. ग्लास का इसीलिए जी लिखा है, नहीं भी लिखोगे चलेगा. और एंगल कनेक्टेड एंगल क्या चल रहा था? 90 माइनस आई से यस और नो? तो 145 का क्या, सॉरी रूट 45 का 1/√2 म्यू जी, ये क्या होगा? कॉस आई. क्या आया? नहीं आई. तो कॉस आई इज इक्वल टू 1/√2 म्यू जी हो गया. नहीं आया समझ में? यहाँ तक आया. लेकिन मुझे कॉस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ठीक है ना यार, फंडा तो क्लियर है, अपन तो पढ़ चुके हैं, टेंथ पढ़ गया है. तो साइन आई इज इक्वल टू कितना होता है? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर. नहीं पढ़ेंगे? पढ़े हैं ना? तो फिर क्या होगा? 1 माइनस इस पूरे का वैल्यू 1/√2 म्यू जी का स्क्वायर. नहीं आ रहा क्या? सबको क्लियर है? बन चुका था. ऐसे बनाए थे आप लोग कि डायरेक्ट रख दिए थे? 2 म्यू जी का स्क्वायर एलसीएम ले लूंगा माइनस 1, फिर क्या होगा? 2 म्यू जी का इसको किसका वैल्यू आ गया? ला के रख दो यहाँ पे. तो साइन आई का वैल्यू कितना लग रहा है? 2 म्यू स्क्वायर जी हटा दिया और यहाँ पे क्या होगा? √2 ये बचेगा ना, क्योंकि रूट सेपरेट कर रहा हूँ. यहाँ म्यू जी और यहाँ पे क्या चल रहा है? ये किधर? बहुत नींद आ रहा लड़की, कैसे पता चला? मैं तुमको ही बोल रहा हूँ, तुम खुश हो रही थी. बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 2 म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 और म्यू इज इक्वल टू 3/2 म्यू इज इक्वल टू √3/2 बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अब इसी में जेई मेंस का एक और क्वेश्चन है जो आया हुआ था, नोट कर लो जरूरत है तो. एक ना ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, अज्यूम करो कैसा होगा ट्रांसपेरेंट सिलेंडर? कर लिए? नहीं किए? एक रे इंसिडेंट हो रहा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? नहीं. और ये कितने एंगल से आ रहा? अल्फा डिग्री से आ रहा. कितने से आ रहा? और इसके बाद जो लाइट जो इन कर रहा है ना वो इमर्ज नहीं हो रहा. देखना क्वेश्चन को घुमाएगा दो तरीके से, या तो बोल देगा कि TIR नहीं हो रहा तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा. ये किस लेवल का एग्जाम होगा? जो लो लेवल का एग्जाम होगा ना उसमें आपको स्पष्ट लिखा गया जाएगा कि इसमें TIR नहीं हो रहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ऐसा लिखा गया जाएगा. क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड कर देगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ दिया है उससे मैं आप पढ़ोगे और आपको बोलेगा कि ये जो लाइट है ना जो इंसिडेंट हो रहा है वो इमर्ज नहीं हो रहा. इमर्ज नहीं हो रहा मतलब निर्गत नहीं हो रहा. निर्गत नहीं हो रहा तो आपका नॉलेज क्लिक करेगा वहाँ पे कि भैया निर्गत नहीं हो रहा मतलब अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा, और जो अंदर रिफ्लेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR का कंडीशन यहाँ पे लगेगा. मेरी बात समझ में आ गई? ये सिलेंडर है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या? म्यू है. तो इसमें TIR हो रहा होगा तो उस केस में आपको म्यू का वैल्यू निकालना है. ठीक, करियो बनाओ. किस सीखेंगे? लाइट ऐसा आ रहा है. देखो क्वेश्चन क्या था, एक सिलेंड्रिकल रॉड है जो ट्रांसपेरेंट है. सिलेंड्रिकल रॉड ट्रांसपेरेंट समझ में आता है ना? उसमें एक लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है एट अल्फा डिग्री. ठीक, तो म्यू का वैल्यू निकालना है, म्यू का लिस्ट वैल्यू निकालना, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा, अल्फा के फॉर्म में नहीं लाना आंसर. ठीक है ना? तो आप कैसे करोगे? तो सोचो कि लाइट जब अंदर आ रहा है थोड़ा सा मान लो हट गया फिर लाइट से, है ना? जैसे ही मान लो यहाँ पे ऐसा करके ले लिया और यहाँ से आ रहा था यहाँ तक ले लिया कि ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ के बाद थोड़ा सा वो बैंड हो गया सपोज, समझ में? तो उस समय नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल कहाँ है आप? कौन बताएगा नॉर्मल कहाँ? ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसे बनेगा.
नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल होगा। गोला कौन बोला? सर्कल है ना। अरे यार रॉड है ना ये, ऐसा आ रहा है ना, सरफेस कौन सा, ये हो गया ना। सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर क्या होता है? नॉर्मल होता है। नहीं आया क्या? नहीं आया। सिंपल है ना, ये रॉड है, दिखा बोतल, दिखा ये बॉटल है ना, ये सिलेंडर है, ये रे आ रहा है ऐसे करके, इस सरफेस से टकरा रहा है ना, उसके लिए नॉर्मल कौन सा होगा? ये सरफेस के परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया? नहीं आया, इतना आसान सा चीज था। नहीं आया भाई? क्या नहीं आया? ये अच्छा, तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना, आके टकरा के वो यहाँ कहीं जा रहा है, ठीक, ये नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या हो गया? रे ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा? ये नॉर्मल है और ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये बना नॉर्मल। क्या ले लिया? आर। या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो आई, यहाँ पे क्यों बना? जहाँ टकराएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। नहीं आ रहा है ना, जहाँ तक आया ना, जहाँ तक आने के बाद नॉर्मल यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि सरफेस समय से कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री पे होता है। ये 90 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा? 90 माइनस आई। यहाँ पे क्लियर? और ये अंदर ही अंदर पास हो जा रहा, तो एक बात तो समझ में आ गया कि आई जो है क्या होगा, आई सी से बड़ा। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ तक कितने लोगों को आ गया, यहाँ तक तो सबको आ गया, मेन कहानी तो इसके बाद स्टार्ट होगा। तो इसके बाद किसका वैल्यू निकालना? आई का वैल्यू, लेकिन अल्फा के फॉर्म में नहीं निकाला, लेकिन वही एक चाह रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इन दोनों के बीच में मैं क्या लगाऊंगा? रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखूंगा? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या होगा? ये एयर से आ रहा है ना, तो साइन क्या होगा? अल्फा। फिर क्या होगा? म्यू। साइन 90 माइनस आई। नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ पे बना रहा हूँ ना, चलो यहाँ, इसके बाद यहाँ आ जा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद क्या चल रहा है? साइन अल्फा म्यू कॉस आई, क्या आ गया? कॉस आई। वहाँ पे साइन आई चाहिए था, तो कॉस आई का वैल्यू निकालूंगा। कॉस आई इज इक्वल टू कितना होगा? साइन अल्फा बाई क्या होगा? नहीं आया कैसे? यार कॉस को साइन में चेंज करो, फंडा वही है, फंडा वही है। मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन आई इज इक्वल टू कितना होगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय म्यू स्क्वायर। नहीं आया क्या? क्या हो रहा है, कहाँ पर है? साइन आई म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या बचा? डाउट है आपका? यहाँ तक आ गया, लाके कहाँ पुट कर दूंगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर पर। कुछ नया बताया क्या? मैं भी इसमें बताऊँ, तो फिर आप बनाएं क्यों नहीं क्वेश्चन को? साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे क्या चल रहा? म्यू, वन अपॉन म्यू, कट गया म्यू, म्यू बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट भी हट जाएगा, तो म्यू स्क्वायर वन माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा वन, ये इधर चल जाएगा। तो ये तो कुछ जाना पहचाना फार्मूला लग रहा है ना, नहीं लगा? तो वन प्लस क्या होगा? साइन स्क्वायर। या म्यू का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? रूट। यार मेरा आंसर तो अल्फा के फॉर्म में आ रहा है, और बोला क्या? इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा। कैसे करूंगा मैं? तो क्वेश्चन तो गलत दिया, यही बोल दूंगा नहीं। तो याद रखना बेटा, दो वैल्यूज होता है, साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ना, वो माइनस वन से कहाँ तक जाता है? प्लस वन, चाहे कॉस का हो चाहे साइन का। इनका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? प्लस वन, ठीक। नहीं है तो कौन सा रखूंगा? ये माइनस की प्लस रखूंगा, मिनिमम वैल्यू म्यू का निकालना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। समझ में आया ना मेरी बात? नहीं है, इसका मैक्सिमम निकालना होता तो इसका क्या रखना पड़ता? नहीं यार, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो म्यू, और यहाँ पे क्या होगा? वन माइनस वन प्लस, इस पूरे के जगह पे क्या यूज़ करूँगा मैं? प्लस वन, प्लस वन का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? तो रूट टू। हाँ नहीं आया समझ में? डाउट है कहीं पे? क्लियर हो गया? कितने लोग यहाँ तक पहुँच गए थे? लगभग एक पहुँचा था, नहीं पहुँचे थे? सेम तो था। तो मैं कह सकती हूँ बोला है तो आप सही
अरे गोला क्यों होगा यार? अब सोचना, एक सिलेंडर का जो साइड होगा कैसा होगा? सर्कुलर होगा ना, और सरफेस कैसा बनेगा उसका बाहर? ठीक, ओके, बंद करो।